नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। फटी एड़ियाँ हमारे पैरों की खूबसूरती खराब करती हैं। फटी एड़ियों को हमेशा ही स्किन केयर और पैरों की साफ सफाई से जोड़कर ही देखा जाता है। हालांकि सर्दियों जैसे मौसम में फटी एड़ियाँ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन तब क्या जब गर्मियों में भी एड़ियाँ फटने लगे। जी हाँ, कुछ लोगों की एड़ियाँ गर्मियों में भी फटती हैं और कई बार तो बहुत कुछ करने के बाद भी आसानी से ठीक नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि आखिर गर्मियों में एड़ियाँ क्यों फटती हैं। विटामिन की कमी से कई बार आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं। विटामिन सी, विटामिन B3 और विटामिन ई की कमी त्वचा में एक रूखापन पैदा करती है और यही फटी एड़ियों का कारण भी बनती है। साथ ही ये विटामिन की कमी एथलीट फुट या एक्जिमा जैसी अन्य स्थितियों का भी कारण बनते हैं, जिसकी वजह से एड़ी में दरार पड़ती है। वही गंदगी फटी एड़ियों का सबसे आसान कारण है। गर्मियों में हमारे पैर हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि हम सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जूते कम पहनते हैं। ऐसे में गर्मी, पसीना, धूप और धूल के कारण हमारे पैर गंदे होते हैं, साथ ही ये फटी एड़ियों का कारण भी बनते हैं। पानी की कमी के कारण भी अक्सर लोगों की एड़ियां फटती हैं। जी हाँ, डिहाइड्रेशन के कारण अक्सर आपकी एड़ियां फट सकती हैं। डिहाइड्रेशन के कारण नमी की कमी बनी रहती है और ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अगर आप भी फटी एड़ियों से परेशान हैं, तो सबसे पहले तो ढेर सारा पानी पीना शुरू कर दीजिए। साथ ही गर्मियों में साफ सफाई की कमी के कारण भी एड़ियां फटने लगती हैं। गर्मियों में अपने पैरों की खास देखभाल करें, साथ ही हर दिन अपनी एड़ियों को स्क्रब करके साफ करें। इसके अलावा आप गर्म पानी, नमक और बेकिंग सोडा से भी अपने पैरों की सफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।